सह पाया दिल। मैं तुम्ही से पूछ रही हूँ, कौन हो तुम बताओ मुझे। तुम मुझे भाई कह सकती हो, मैं दूर का रिश्तेदार हूँ। छोटा भाई भाग गया, बड़े ने मुझे निकाल दिया, अब देखो हम रोड पर रह रहे हैं। भाई बहन का रिश्ता मेरे लिए नहीं है। ऐश्वर्या, मैं मंडी की तरफ से राइस मिल जा रहा हूँ, बातें कम करो, दुकान पे ध्यान दो। माँ, 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 एक ग्राहक ने चाय के पैसे दिए हैं। नन्हे से परे का दोष क्या, नन्हे हाथों में है ये सब क्या, पत्थरों को माना है भगवान, पर वैसा ही कठोर तेरा मन। चाहे है सभी बच्चों की खुशी, मगर ऐसा क्यों कभी होता नहीं। ये लो। माँ, क्या मैं ले लूँ? माँ, तुमने मेरे लिए ये सब क्यों खरीदा? क्योंकि मैं तुम्हारे घर में रहने वाला हूँ। तो फिर? अब मैं वही खाऊंगा जो तुम्हारी माँ पकाएगी। अच्छा, मैं तुम्हें क्या कह के बुलाऊँ? मुझे मामा कह के बुलाओ। मुझे मामा पसंद नहीं, मुझे नहीं चाहिए। मेरे बड़े मामा जो है मुझे देखने कभी नहीं आए, समझे? मेरे छोटे मामा जब छोड़कर गए थे तब मेरी माँ मेरे बराबर थी। मेरी माँ ने मुझसे कहा कि मेरे छोटे मामा आएंगे तो वो कान की बाली लाएंगे। जब तक मेरे छोटे मामा वापस नहीं आते मैं किसी को मामा नहीं कहूंगी। ओके, मामा मत बोलो, फ्रेंड बोलो। माँ, दोस्त बना लो। ओके, फ्रेंड। भाई, संक्रांति और दीपावली हर किसी के लिए त्योहार होता है, पर जिस दिन तुम वापस आओगे वही दिन तुम्हारी माँ और बहन के लिए असली त्योहार का दिन होगा। तुम्हारी माँ ने तो हमसे मिलना जुलना भी बंद कर दिया, क्योंकि एक दिन तुम वापस जरूर आओगे इसी उम्मीद पर अभी तक वो जी रही है। तुम्हारी बहन तुम्हारे घर से कभी साड़ी और गहने भी नहीं मांगती, वो सिर्फ चाहती है कि उसका भाई शक्ति घर पे वापस आ जाए, और तुमने तो उसे बताया भी नहीं कि मैं ही तुम्हारा बिछड़ा हुआ भाई हूँ। छी, तुम भाई कहलाने के लायक नहीं हो। राजमहल में महारानी की तरह रहने वाली मेरी माँ आज अपने ही घर में भिखारन की तरह रह रही है। मैं उसे कैसे बताऊं कि मैं उसका बेटा हूँ? राजकुमारी जैसी मेरी बहन आज रोड पे चाय बेचने पे मजबूर है, उसे कैसे बताऊं कि मैं ही उसका भाई शक्ति हूँ? हाँ, जिससे मैं प्यार करता हूँ उससे मैंने कहा है कि मैं अनाथ नहीं हूँ, मेरा भी एक खुशहाल परिवार है। अब मेरी समझ में आ गया है, प्यार और शादी मेरे लिए नहीं है, मेरा परिवार ही सब कुछ है। मैं अपनी माँ को उसी घर में महारानी की तरह रखूंगा, तब मैं उसे बताऊंगा कि मैं ही उसका बेटा हूँ, और अपनी बहन को वापस उस घर की राजकुमारी बनाऊंगा, तब उसका भाई कहलाऊंगा, तभी पिताजी की आत्मा को शांति मिलेगी। तब तक मैं कौन हूँ किसी को नहीं बताऊंगा। तुम्हारे भाई को पता चला तो तुम्हें जान से मार डालेगा। ऐसे कैसे मार डालेगा? वैसे ही मार डालेगा जैसे। क्या कहा उसने? पिताजी को मारा? बता मुझे पिताजी की मौत कैसे हुई, बता कैसे पिताजी की मौत हुई, क्या हुआ जल्दी बताओ। मालिक, हमें माफ कर दीजिए, ये आपका बेटा है फिर भी हमने इसे बांध कर रखा, हम अगर इसे नहीं बांधते तो ये हमें मार डालता। मालिक, इसने मेरी बेटी की इज्जत लूट कर कहीं मुंह दिखाने लायक नहीं छोड़ा। मालिक, तू चोरी करता है, तू सिगरेट भी पीता है, दारू पीना भी चालू कर दिया है, और अब तूने एक लड़की की इज्जत भी लूट डाली। तू, लगता है तू मेरा खून ही नहीं है। मुझसे क्या पूछते हो, जाके अपनी बीवी से पूछो। ये सदमा तुम्हारे पिताजी सह नहीं पाए और हार्ट अटैक से मर गए। स्वामी, वो तुम्हारा भाई जा रहा है।
कौन है वहाँ? हाँ, कौन है? ये क्या है? मेरे दोस्त की बीवी का लिखा सुसाइड लेटर है। तो तुम इससे मुझे क्यों डरा रहे हो? क्योंकि तुम ही हो जिसकी वजह से उसकी यह हालत हुई। ओ! अच्छा, तुम्हारे दोस्त की बीवी उन्हीं लड़कियों में से है जिनकी जिंदगी मैंने बर्बाद की। अरे बाप रे, क्या हुआ भाई, किसने मुझे बुलाया था? अरे बाप रे, जांच शुरू करो। ये घर है या तालाब? पर फूल कहाँ से आए? पुलिस कहाँ से आई? आपके ऊपर अटैक हुआ सर? हाँ, अटैक मैंने किया, ये सब मैंने किया, मुझे अरेस्ट। अरे नहीं, नहीं नहीं नहीं, ये तो मजाक कर रहा है। पर ये है कौन सा? ये मालिक का दूर का रिश्तेदार है, अपने परिवार से मिलने आया है। ये झूठ बोल रहा है सर, मैं ही हूँ जिसने ये सब किया है, अरेस्ट कर लीजिए। अरे बात सुनो, मजाक करने के भी हद होती है। पर सभी के चेहरे से खून निकल रहा है। अरे वो तो ऐसे ही है सर, अगर अपोजिशन पार्टी ने हमारे एमएलए साहब पे हमला किया तो हम उन्हें बचाने के लिए क्या क्या कर सकते हैं, हम उसकी प्रैक्टिस कर रहे थे। बोलो ना। अरे कितना कंफ्यूजन है ना, नहीं समझे ना? ये हमारा आपस का मामला है, पुलिस को दखल नहीं देना चाहिए। जाओ। पर सर वो जाओ। यस सर। इधर से जाओ। चलो सर। जाओ। पुलिस को तो तुमने भेज दिया, पर पुलिस स्टेशन कहाँ है ये मैं जानता हूँ। हाई कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में ये लेटर सभी कोर्ट में दूंगा, तुम्हें फांसी लग कर रहेगी। ओ, अब मुझे पता चल गया कि तुम यहां पर क्यों आए हो। इस लेटर के लिए तुम्हें कितना चाहिए? एक, दो, तीन, चार, पांच। अरे आप भी क्या एक दो तीन चार पांच गिनती कर रहे हैं, बोली लगा रहे हैं क्या? इसको दस दीजिए और मामला फिट कीजिए। हाँ। मैं पैसे लेकर आता हूँ, जल्दी लेकर आ। ठीक है, हटे। अरे पैसा ला रे, पैसा। अबे पैसा इसमें लेकर क्यों आया? क्या पैसे पर्स में लाता, पूरे 10 लाख हैं। 10 लाख? हाँ, तुम बहुत बड़े दिल वाले हो टपलू। चलता हूँ। अरे रे रे रे, लेकिन लेटर। अरे क्या है ये, तो केवल कोरा कागज है, असली तो पोस्ट कर दिया। चलता हूँ ब्रदर।